तो आई गाइस, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा अपने हुक की स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो अभी तुमने देखा होगा कई लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं, है ना, खेलते हुए प्रोफेशनल प्लेयर्स जो अपनी वीडियो डालते हैं, तुमने उसमें देखा होगा कि उनकी जो एक एक्सपर्टीज है उनके एक यू नो एक टेक्निक में, राइट, तो उनकी एक्सपर्टीज उनके एक अनदर लेवल पे चली जाती है, राइट। और उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उनकी एक्सपर्टीज होती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन उनके गेम की, राइट, और उनकी स्पीड, उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड कितनी जबरदस्त होती है, राइट। तो आज हम फोकस करेंगे इस वीडियो में कि हम अपने गेम की स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मेजर हमारा फोकस रहेगा हुक की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो अब देखो, तुम्हें अगर अपनी हुक की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, तो उसके दो मेजर फैक्टर्स रहेंगे जो पूरा पूरा तुम्हारे हुक की स्पीड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पहली रहेगी तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन, कैसे मैं बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हारा रेडी गो कितना अच्छा है, राइट, रेडी गो एज इन जब रेफरी बोलता है रेडी गो, राइट, तो जो रेडी गो के बाद जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं ना, उसमें तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना अच्छा कि तुम कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हो अपने गेम को, राइट। तो एक होगा तुम्हारी रेडी गो। तो रेडी गो कैसे ट्रेन होगा, रेडी गो मैं कैसे ट्रेन करता हूँ, मैं पिछली वीडियोज में भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ, मैं रेडी गो क्या करता हूँ, मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने फोन में रेडी गो की। ठीक है, जैसे रेडी गो, रेडी गो, तो मैं वो रेडी गो पे ना नॉर्मल बिना रेजिस्टेंस बैंड के, रेजिस्टेंस बैंड लेके, जैसे रेडी गो होता है, जैसे रेडी गो, रेडी गो, अपना प्रॉपर स्टांस पे खड़े रहो, राइट, सामने वाले को देख के लगेगा भाई जी तुम पता नहीं क्या फालतू हरकत कर रहे हो, राइट, लेकिन बिलीव मी तुम्हारा जो कनेक्शन बनेगा वो इसी से बनेगा, तुम्हारा जो मसल माइंड कनेक्शन बनेगा वो इसी से बनेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन रेडी गो पे इसी से आएगा, और रेडी गो को अलग अलग पेस पे, ठीक है, जब तुम्हें एक बार हैबिचुअल तुम हो जाओ अपने स्लो रेडी गो के, उसके बाद किसी को खड़ा कर लो, उसको बोलो कि भाई रेडी गो बोल, ठीक है, और रेडी गो बोले अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जैसे रेडी गो, रेडी गो, गो, समझो, तुम्हें फोकस करना है गो वर्ड पे, ताकि तुम्हारा ना माइंड में एक चीज बन जाए कि जैसे ही गो आती है ना वाज गो, उसमें तुम्हें एग्जीक्यूट करना ही अपना गेम। ठीक है, एक चीज ये हो गई रेडी गो। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या रहेगी, सेकंड चीज आ गई आपका ट्रेनिंग, ये तो होगी तुम्हारी माइंड की ट्रेनिंग कि तुम्हें अलर्ट कितना रहना, अलर्टनेस तुम्हारी कैसे, ठीक है, सेकंड चीज होगी तुम्हारी रेजिस्टेंस बैंड, सेकंड चीज हो जाएगी तुम्हारी रेजिस्टेंस बैंड पे ट्रेनिंग, तुमने अपने माइंड को अलर्ट कर लिया। ठीक है, अब फिजिकली कैसे इंप्लीमेंट करनी है वो चीज को, एक रेजिस्टेंस बैंड ले लो, उसका रेजिस्टेंस इतना रखो कि वो तुम्हें ना सेंटर पे, ये देखो मेरा हाथ अभी इधर है, ये मेरा सेंटर नहीं है, ठीक है, ये हुआ सेंटर, ठीक है, तुम्हें सेंटर पे हाथ रख रहे हो ना, तो तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो साइडवेज, ठीक है, साइडवेज रेजिस्टेंस फील होगा ना तो तुम बेटर उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे रेडी गो को। अगेन साइडवेज रेजिस्टेंस रखो, एल्बो को पहले इधर, पहले ये वाली मूवमेंट हल्की हल्की ट्रेन करो साइडवेज, ठीक है, इससे क्या होगा, जो तुम्हारा ये वाला मूवमेंट है ना ये स्ट्रांग होगा। अगर तुम अपना सेंटर ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे टेबल पे, ठीक है, तो तुम स्पीड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, पहली चीज ये हो गई। ठीक है, तो सेंटर कंट्रोल ऐसे ही होगा अगर आप हुक के प्लेयर हो, ठीक है, स्ट्रैप ऐसे डाल लो, एल्बो यहां रखो और एल्बो ऐसे मूव करो साइडवेज, ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ नहीं, हल्के रेजिस्टेंस के साथ, व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट। और ये वार्म अप भी बहुत अच्छा है, ये वार्म अप भी बहुत अच्छा है, ये देखो ये वार्म अप भी बहुत अच्छा है, इसको तुम वार्म अप में भी इंक्लूड कर सकते हो, और इससे तुम्हारा सेंटर कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है, मैं पर्सनली यही करता हूं अपना सेंटर कंट्रोल अच्छा रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर कंट्रोल करने के लिए। अब इसके बाद, अब सोचो तुमने सेंटर कंट्रोल करना आ गया तुम्हें, ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन आती है इसी चीज के अंदर। ठीक है, अब इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी, सेम, कभी भी तुम्हें जब अपना ट्रेन कर दो, तुम किसी भी तुम टेक्निक को खेलते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टेक्निक तुम उसको ट्रेन करते हो, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम अपनी ना एग्जीक्यूशन लाओ, अपनी ट्रेनिंग में अपनी एग्जीक्यूशन लाओ। और मैं जब भी ट्रेन करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा अपने स्टांस पे खड़ा हूँ। देखो, जब भी मैं कोई मैच खेलता हूँ ना, तो ये मेरा स्टांस होता है, ये मेरा प्लेइंग स्टांस है, देखो शोल्डर स्क्वायर, मेरा शोल्डर बैक कर रहा है मेरे पाम को, मेरा ये वाला शोल्डर स्क्वायर है, मेरा खड़े होने का स्टांस ही होता है। मैं ऐसे खड़ा होकर कभी मैं ऐसे ऐसे ये ट्रेन नहीं करता कभी भी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से ट्रेन करूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मसल माइंड कनेक्शन वैसा बन जाएगा, मुझे आदत हो जाएगी यहाँ पे ट्रेन करने की, राइट। तो अगर मैं अपना सेंटर भी ट्रेन कर रहा हूँ तो अपना सेंटर भी ये ट्रेन करूंगा ये, ठीक है। अब उससे होगा क्या, जब हुक का प्लेयर हल्का सा साइड प्रेशर लगा के रखेगा ना सेंटर में, ठीक है, तो होता क्या है कि आपके ना मसल ऑलरेडी एक्टिव है, मेरा लैट एंगेज ऑलरेडी, मेरा फ्लेक्सर पूरा एक्टिव है, राइट,
और मैंने सुपिनेशन भी हल्की रखी हुई है। अब इससे होगा क्या, ओपनर को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी। अब साइड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं लगाना कि प्लेयर को फील हो, रेफरी को फील हो, राइट। सिर्फ इतना रखना है कि तुम्हारे मसल्स एक्टिव रहे, ठीक है। तो उसकी उसके लिए तुम हैबिचुअल किससे होगे, उसके लिए तुम हैबिचुअल होगे रेजिस्टेंस बैंड से, ठीक है। अब इसके बाद जब तुम्हारा सेंटर अच्छा हो गया, तो अब तुम्हें करना क्या है, हमेशा कोशिश करो कि तुम अपनी एल्बो की मूवमेंट लो, राइट। स्पीड मारो, लेकिन स्पीड मारो सेफली। कभी कभी क्या होता है, तुम स्पीड तो मार दोगे, सामने वाला ओपोनेंट स्ट्रांग होगा तो तुम्हें रोक देगा। अब वो तुम्हें रोकेगा तो तुम्हारा हाथ खुलता चला जाएगा, राइट। तो स्पीड एक डिसएडवांटेज भी लेके आती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पीड ट्रेन ही नहीं करें। तो स्पीड ट्रेन करने का एक बहुत इफेक्टिव और एक अच्छा तरीका है, तो वो क्या है, अपना कनेक्शन बना के, अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करके स्पीड बना। वो कैसे होगा, रेजिस्टेंस बैंड के रेजिस्टेंस बढ़ा लो। देखो मैं रेजिस्टेंस बैंड ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं रेजिस्टेंस बैंड थोड़ा सा यहां लेके जाऊंगा, अपने थंब से थोड़ा सा नीचे रिस्ट की साइड, तो मेरे को थोड़ा और डायगोनल मारने में मजा आता है। अपना पोजिशन ले ली, रेडी गो बनाया, रेडी गो, रेडी गो, रेडी गो, रेडी गो। कोशिश करो कि तुम पूरा कप करके अंदर ला रहे हो उसको। देखो अपने चेस्ट के पास, अपने इस वाले शोल्डर के पास आ रहे हो, टेबल एल्बो पैड पे कॉर्नर पे रखो, रेडी गो, रेडी गो, ठीक है ना। अब देखो कई लोग आते हैं जिनका प्लेइंग स्टाइल होता है बिल्कुल यहां रख के खेलने का, ठीक है, बिल्कुल लूज रख के खेलने का, वो भी स्पीड मारने का तरीका होता है, बट वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बहुत अलग हो जाती है, राइट। हम धीरे धीरे हम प्रोसीड करते हैं उस लेवल पे, राइट। तो जो पहला स्टेप रहेगा ना तुम्हारा स्पीड अटेन करने का, वो यही रहेगा, रेजिस्टेंस बैंड से, फिर से बताता हूँ, रेजिस्टेंस बैंड से पहले अपना साइड ट्रेन करना है, ठीक है, अपना सेंटर ट्रेन करना है, उसके बाद रेडी गो पे अपनी ये वाली मूवमेंट ट्रेन करनी, ठीक है। और जब तुम्हारी ये दोनों चीजें स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद क्या करो, इसके ऊपर एक फैट ग्रिप लगा लो, फैट ग्रिप तुम्हें एक हाथ वाली फील देगी, राइट। फिर उस फैट ग्रिप को तुम कपिंग के साथ मारो, देखो रेडी गो, रेडी गो, ये ठीक है। इसको तुम अपने हुक वर्कआउट में इंक्लूड करो, तो रिजल्ट्स तुम्हें इवेंचुअली दिखने लग जाएंगे धीरे धीरे, राइट। इसके अलावा अपनी जितनी तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, जितने तुम स्टैटिक होल्ड्स करोगे, उतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, उतना ही तुम्हें एक यू नो एक एडवांटेज मिलेगा अपनी स्पीड को ट्रेन करने में, उतनी तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा तुम चिनअप्स इंक्लूड कर सकते हो अपने वर्कआउट में स्पीड अटेन करने के लिए। चिनअप्स का भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, चिनअप बार पे तुम लटक जाओ, ठीक है, पार्शियल रेप पे इतना, इससे ज्यादा नहीं खुलना चाहिए, इतना, और इसको रेडी गो पे, रेडी गो, रेडी गो, इतने चिनअप्स मारो। ये दो तीन चीजें हैं, ये तुम्हें प्रॉपर हेल्प करेंगी तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए गेम में। तो आई गेस ये वीडियो हेल्पफुल है सबके लिए, सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी नहीं। And for more videos, keep subscribing the channel. Thank you.